को जब पूरा देश गणतंत्र पर गौरव कर रहा था, उस दिन तिरंगे के ऐसे अपमान से देश बहुत ही दुखी हुआ है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के दंगाइयों को क्या सख्त संदेश दिया। 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड भी देखी। राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किले पर हुआ दंगा सोची समझी साजिश थी, जिसको लेकर एक नया सबूत मिला है। जांच टीम को एक कमांडो रस्सी मिली है जिसे दंगाई अपने साथ लेकर आए थे ताकि वो लाल किले के गुंबद पर चढ़ सकें। कमांडो रस्सी के बीच बीच में नॉट होती है। आशंका यह है कि जो एक्स आर्मी मैन आंदोलन में शामिल हुए थे उन्होंने ये मदद की होगी, जिसके जरिए आपको पैर को रोकने के लिए, यानी कि आप ऊपर अगर चढ़ाई करते हैं तो जो नॉट्स बनाई जाती हैं, नॉट्स में अपने पांव के पंजे को आप रख सकते हैं और इससे आपको सपोर्ट मिलता है और आप ऊंची दीवार पर चढ़ सकते हैं। तो इस तरह की उन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। देखिए किस तरह से उन्होंने इस रस्सी में अलग अलग जगह पे गांठें लगा के रखी है ताकि जो ऊपर चढ़ाई करेगा उसे ऊपर चढ़ने में आसानी होगी, इसीलिए इसे कमांडो रस्सी कह सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता अभय पराशर जुड़ गए। अभय, और क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए अमित, जो एफएसएफ की टीम कल लाल किले पर पहुंची थी जांच करने के लिए, उन्हें ये रस्सी मिली है और ये रस्सी जो है कमांडो रस्सी से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जैसा कि आपने बताया जगह जगह इसके अंदर नॉट लगी हुई है। तो ये पहले से पूरी प्री प्लानिंग थी कि जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है उसमें ना केवल रूट को फॉलो नहीं करना है और लाल किले पहुंचना है। लाल किले पहुंचकर जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया, इन्होंने अपना धार्मिक झंडा वहां पर लगाया, उसकी तैयारी करके लाए थे ताकि इस तरीके की रस्सी का इस्तेमाल करके गुंबद पर चढ़ सके। फिलहाल इस रस्सी को भी वहां से रिकवर किया गया है और जो जो लोग इसके अंदर शामिल है उन सबकी तलाश की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लाल किले पर हुए दंगे और बवाल और पुलिस वालों की पिटाई के हर दिन नए वीडियो सामने आ रहे हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें पुलिस वालों को पिटाई की जा रही है। दंगाई ऊपर से पत्थर फेंककर हमला कर रहे हैं तो नीचे कुछ दंगाई पुलिस वालों को घेर कर लाठी से घायल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि 26 जनवरी को जब वहां पर पुलिस मौजूद थी, वहां पर अकेले पुलिस को किस तरह से घेर कर ये प्रदर्शनकारी जो खुद को किसान कहते हैं, इन्होंने घेर घेर कर पुलिस वालों को पीटा। तो आप देख सकते हैं कि साथ में म्यूजिक भी बजा रहे हैं और म्यूजिक बचा रहे हैं और साथ में देखिए कि जहां पर पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे थे उनको कैसे वो घेर कर मार रहे हैं। एक पुलिस वाले को 3-4-5 लोग घेर कर मार रहे हैं।